हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग सुमित, गुड इवनिंग पूनम। हेलो गाइस, क्लियर है आपको आवाज मेरी? एक बार से बताइए मुझे फटाफट से कि आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, पिक्चर क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे फटाफट से। ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। हेलो सोनिका, हेलो मंजू, आपको क्लियर आवाज आ रही है? ओके पूनम, एवरीथिंग इज ओके? यस, ठीक है ज्योति, वॉइस क्लियर है, आपको पिक्चर भी क्लियर है। चलिए तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो है गाइस हमारा, वैसे तो ये 18th सेंचुरी ऑगस्टन एज ही चल रहा है, लेकिन इसमें मैंने जो है प्री रोमांटिक्स को लिया है, कुछ यानी कुछ प्री रोमांटिक्स हैं उनको लिया है। ओके ओके सुमित, ओके गुड इवनिंग राजेंद्र। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो है हमारा इसमें मैंने प्री रोमांटिक्स को लिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैगर्स ओपेरा वॉज रिटन बाय, बैगर्स ओपेरा वॉज रिटन बाय जेम्स थॉम्सन, जॉन गे, एडवर्ड यंग, विलियम कोलिंस। तो गाइस आपको बताना, फर्स्ट क्वेश्चन को हैंडल करना है, कीजिए फटाफट से। सोनिका ने, ज्योति ने दिया है फर्स्ट का बी, जॉन के बोला उन्होंने, सुमित ने सी दिया है। ओके गाइस, तो जो है हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो जॉन गे है, तो बैगर ओपेरा जो है। ओके गाइस, ठीक है मंजू, आपका जो मैंने कहा कि प्री रोमांटिक्स लिए हैं हमने, क्योंकि ऑगस्टन में जो मेन थे वो हो चुके थे, और इसके अंदर जो है ऑगस्टन पीरियड में यानी 18th सेंचुरी के अंदर रोमांटिक्स और ऑगस्टन के बीच में जो है प्री रोमांटिक्स आते हैं, तो उनको लिया है ये। वैसे तो 18th सेंचुरी के राइटर हैं, इसमें पोइट भी है और जो है नॉवलिस्ट भी है, नॉवल शुरू हो जाते हैं यहाँ पे आके, लेकिन मैंने सभी नहीं लिया है, क्योंकि एक तो इसको मुझे लगा कि शायद आपको ना भी पता हो, कि क्योंकि मैंने ऑगस्टन ही बोला था, प्री रोमांटिक्स का नाम नहीं लिया था। तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, मैंने जो है मतलब मेन सिंपल सिंपल लिए हैं, ताकि आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सको, और कल हम इनको दोबारा से करेंगे फिर, यानी प्री रोमांटिक्स को हम दोबारा से लेंगे। अब सेकंड है, द राइटर ऑफ द विकर ऑफ वेकफील्ड इज, विकर ऑफ वेकफील्ड जो है किसने लिखा है? थॉमस हार्डी ने, जेन ऑस्टन, चार्ल्स डिकिंसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो गाइस जो है द राइटर ऑफ द विकर ऑफ वेकफील्ड किसने लिखा है? ज्योति ने सेकंड का डी दिया है, गुड इवनिंग नवेता, वेरी गुड इवनिंग। सुमित का ए है, राजेंद्र का जो है सेकंड का डी है। तो जो है गाइस इसका आंसर जो है राइटर ऑफ द विकर ऑफ वेकफील्ड जो है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। गुड इवनिंग सपना, और पूनम का जो आंसर आया है वो जो है डी है, तो ठीक है आपका आंसर जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ये जो है विकर ऑफ वेकफील्ड लिखा है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ फर्स्ट सक्सेसफुल पोएम वॉज, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ की जो पहली सक्सेसफुल जो पोएम थी वो कौन सी थी? द डेजर्टेड विलेज, द गुड नेचर्ड मैन, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्रैवलर। तो आपको जो है थर्ड क्वेश्चन को हैंडल करना गाइस, ओलिवर गोल्डस्मिथ फर्स्ट सक्सेसफुल पोएम वॉज, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। ये सभी जो है प्री रोमांटिक्स है गाइस, इनको ट्रांजिशनल पोइट भी कहा जाता है। ट्रांजिशनल पोइट वो होते हैं जब एक जनरेशन जा रही होती है और ढंग से जो है दूसरी वाली आई नहीं होती है। तो ज्योति का आंसर जो है थर्ड का डी है, पूनम शर्मा ने ए बोला है, तो मैंने जैसा कि बोल रही थी सुमित ने जो है बी, ओके गाइस, सोनिका का जो है थर्ड, बाकी सबके आ गए आंसर, राजेंद्र का ए है।
तो गाइस ओलिवर गोल्डस्मिथ की जो फर्स्ट सक्सेसफुल पोइम थी वो डेजर्टेड विलेज थी। डेजर्टेड का मतलब होता है जैसे रेगिस्तान या मतलब उजड़ी हुई जो विलेज होता है, उजड़ा हुआ गांव जो है उसके बारे में है। तो इन्होंने जो है ये उस टाइम का है कि जब लोगों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, यानी गरीबी का दौर दिखाया गया है और जो है स्लेवरी जो चल रही थी, तो जो इंग्लैंड के में जो है मतलब कि दास प्रथा जो चली हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है लोग या तो पावर्टी की वजह से या स्लेवरी की वजह से गांव छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो ये अपने गांव में जाते हैं, वहां की जो हालत देखते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये लिखा है कि वो डेजर्टेड विलेज था, मतलब कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वहां पे कुछ भी नहीं था, मतलब कि जो नई जनरेशन थी वो वहां थी ही नहीं। तो आप भी ये देखते हो कि जब छोटे शहरों से छोटे गाँव से जो है बड़े शहरों की तरफ लोग जाते हैं तो नई जनरेशन के साथ ही वो फलती फूलती नजर आती है। तो उसी टाइप का थीम है इसके अंदर। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज नॉट रिटन बाय गोल्डस्मिथ। ये जो है गोल्डस्मिथ ने कौन सी जो है इसमें ये बुक ने जो है पोइम नहीं लिखी है, तो वो बताना आपको उसमें। द हर्मिट, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, वैन लवली। तो इसमें जो है कौन सी है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने नहीं लिखी है। मोनिका ने फोर्थ का डी दिया है। राजेंद्र का जो है फोर्थ का डी है। ज्योति ने फोर्थ का ए दिया है। जो नहीं है इसमें से वो देना है गाइज आपको। तो जो है इसका आंसर जो नहीं है वो बताना है। सुमित का जो है डी है। ओके, तो अब इसको लेते हैं गाइस। तो फोर्थ का जो है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है, ये जो है इसका बी आंसर है गाइस, ये नहीं है। मंजू यादव का फोर्थ का डी है। तो अब जो है फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। द सबटाइटल ऑफ शी स्टॉप्स टू कॉन्क्यूर, शी स्टॉप्स टू कॉन्क्यूर 1773 इज, ये किसने लिखा है, सॉरी सबटाइटल पूछा है ये, सी स्टॉप्स टू कॉन्क्यूर, ये जो है कॉन्क्यूर, ये जो है किसने लिखा, इसका सबटाइटल क्या है, जर्नी सेंट, वेज टू विंड, मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, द स्टोरी ऑफ ए मेड। तो ये जो है गाइस किसने लिखा है, सॉरी इसका सबटाइटल क्या है ये बताना है। नमस्ते दिनेश, तो आपको जो है फिफ्थ क्वेश्चन को हैंडल करना है। ज्योति ने फिफ्थ का सी दिया है, मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट। राजेंद्र का भी जो है फिफ्थ का सी है। द सब टाइटल ऑफ द शी स्टूप्स टू कॉन्क्योर, दिनेश ने फिफ्थ का सी दिया है। ओके गाइस, तो इसका जो आंसर है मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, यानी फिफ्थ का सी ही है। लेकिन क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है शी स्टूप्स टू कॉन्क्योर लिखा किसने है, किस इसके राइटर का नाम क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डस्मिथ्स नॉवल द विकर ऑफ वेकफील्ड 1763 इज मार्क्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ, गोल्डस्मिथ्स नॉवल द विकर ऑफ वेकफील्ड, ओके पूनम शर्मा ने बोला है, गोल्डस्मिथ ने, वेरी गुड। हाँ सभी, ज्योति ने, दिनेश ने, सभी ने कहा कि गोल्डस्मिथ का, बिल्कुल ये गोल्डस्मिथ का ही है। और ये गाइस कॉमेडी है या ट्रेजेडी है ये भी बताइए एक बार कि ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी है। गोल्डस्मिथ्स नॉवल द विकर ऑफ वेकफील्ड, सिक्स्थ क्वेश्चन को हैंडल करना है। द गोल्डस्मिथ्स नॉवल द विकर ऑफ वेकफील्ड इज मार्क्ड बाय द क्वालिटीज, इसमें क्या क्वालिटीज को शो किया गया, आयरनी एंड स्टायर, वैलर एंड ब्रेवरी, एम्बिग्यूटी एंड पैराडॉक्स, ह्यूमर एंड पैथोस। तो जो है सेवंथ सिक्स क्वेश्चन को भी हैंडल करना है आप लोगों को। ओके, पूनम शर्मा ने कहा ये कॉमेडी है, बिल्कुल ठीक कहा हम पूनम आपने, ये कॉमेडी है। ओके, रॉकिंग सानवी एंड सक्षम, उन्होंने सिक्स का बी दिया है। वैलर एंड ब्रेविटी, मंजू ने भी कॉमेडी बोला, दिनेश ने सिक्स का बी दिया है और नवेता का सिक्स का बी है, मंजू यादव का भी जो है बी है। एक बार मुझे आप ये बताएंगे आप में से जो है विकर ऑफ वेकफील्ड किस किस ने पढ़ा है, आपको इसकी स्टोरी का पता है। अगर आपको स्टोरी का पता है तो फिर आप जो है
ये इसमें ये भी बता सकते हो इजीली कि ये जो है क्या इसके अंदर क्वालिटीज रिप्रेजेंटेशन दिया है, किन क्वालिटीज का। सपना ने भी 6 का बी दिया है, तो आप मुझे बताइए फटाफट से, क्या आपने वेकर ऑफ वेकफील्ड की स्टोरी पढ़ी है, आपको पता है ये क्या है? क्योंकि आप लोगों के जो आंसर है वो गलत आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो ह्यूमर और पैथोस डी है गाइस, इसका जो आंसर है वो ह्यूमर एंड पैथोस है। ओके, नहीं पढ़ा इसलिए आपका ये आंसर गलत हो रहा है गाइस। तो एक्चुअल में क्या है, जैसे इसके अंदर इस तरह का दिखाया ह्यूमर एंड पैथोस, देखो ये दो कंट्राडिक्टरी बातें हैं। वैलर और ब्रेवरी जो आप लोग दे रहे थे भी, ये एक ही है, एक ही स्ट्रीम में है दोनों बातें। यानी वैलर भी उत्साह होता है और ब्रेवरी भी एक टाइप का उत्साह ही है, तो ये नहीं है गाइस। इसके अंदर ह्यूमर जो है, मतलब कि ह्यूमर तो आपको पता ही है। ओके मोनिका, शॉर्ट नोट्स में किया था। तो ह्यूमर में जो है क्या होता है कि जैसे आपको पता हास्य मजाक ये सब होता है, पैथोज होता है दुख। तो जो वेकर ऑफ वेकफील्ड जो है एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे फादर की स्टोरी है जिसमें जो है उसकी दो लड़कियां शायद, और वो एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं। वैसे तो विकर का होता है ये कोई पद है गाइस, विकर ऑफ वेकफील्ड यानी एक टाइप का प्रिस्ट लगा लो, या किसी जगह का कोई, जैसे हमारे गांव में सरपंच या कुछ ऐसे होता है, तो एक पोस्ट है, ये डेजिग्नेशन है विकर। तो एक गांव का वो वेकफील्ड जगह है, और उसका जो पर्सन है यानी वो हीरो है, सॉरी मेन कैरेक्टर जो फादर है वो विकर है। तो उसकी दो लड़कियां होती हैं, तो पहले तो बड़ी प्रॉस्पर लाइफ होती है, बाद में जो है उनकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन फिर भी जो विकर है वो अपने लिए भी ओके पीजी में पढ़ा था, ठीक है मोनिका। तो आपने इसमें जो है वो क्या है कि उन डिफरेंट जो सिचुएशन है उनके बावजूद भी वो जो है अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, और गॉड में भी बिलीव रखते हैं और अपने आप पर भी बिलीव रखते हैं। यानी कि दुख तकलीफ में भी वो ह्यूमर को बनाए रखते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं, और तकलीफ है यहाँ पे यानी गॉड में भी बिलीव करते हैं। तो ये इसका थीम है यहाँ पे, इस क्वालिटी को शो किया गया है। तो 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, हु इज द ऑथर ऑफ द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड 1759 में जो लिखा गया है, तो ऑथर बताना आपको इसका, एडिशन, गोल्डस्मिथ, स्विफ्ट और स्टील। तो ये है आपका एडिशन, गोल्डस्मिथ, स्विफ्ट एंड स्टील। तो बताइए आप, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे। एडिशन गोल्डस्मिथ, पूनम शर्मा ने बी बोला है, गोल्डस्मिथ बोला है। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो रोकिंग के नाम से है जो, 7th का बी है, नवेता का 7th का बी, दिनेश का भी बी है, मंजू यादव का भी बी है। तो ठीक है गाइज, ये गोल्डस्मिथ ने ही जो है लिखा है, गोल्डस्मिथ का ही है ये, ओके। आगे है, हु सेज अबाउट जॉनसन, ही हैज नथिंग ऑफ द बियर बट हिज स्किन। ये वैसे तो आगे भी लाइनें हैं गाइस इसमें, ही हैज नथिंग ऑफ द बियर बट हिज स्किन, आगे एक और लाइन है, लेकिन ज्यादा पूछी यही जाती है, मतलब फेमस यही रहती है। तो ये जॉनसन, हु सेज अबाउट जॉनसन, ये किसने कहा है जॉनसन के बारे में, अर्नोल्ड ने, टी एस एलियट ने, गोल्डस्मिथ ने और रस्किन ने। तो 8th का आपको आंसर देना है, ही हैज नथिंग ऑफ द बियर बट हिज स्किन। सानवी और सक्षम के नाम से जिनका है वो है 8th का ए बोल रहे हैं, अर्नोल्ड ने बोला है, पूनम शर्मा का भी जो है ए है, ज्योति ने 8th का सी दिया है, गोल्डस्मिथ, दिनेश ने ए दिया है। ओके गाइस, तो चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। ये जो है गोल्डस्मिथ ने ही बोला गाइस, और ये इस रेफरेंस में बोला गया है, जैसे जॉनसन के बारे में ये है कि वो बड़ा रूखा सा व्यवहार रखते हैं सबके साथ, मतलब उनका नेचर इस टाइप का है कि वो जो है जल्दी से किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और थोड़ा सा रूखा सा व्यवहार है उनका सबके लिए। तो उनकी एक ऐसी इमेज बनी हुई है मतलब कि सोसाइटी के अंदर जॉनसन के बारे में, कि भाई ये किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, ये किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो इस टाइप की है इमेज। लेकिन जब गोल्डस्मिथ लिखते हैं तो गोल्डस्मिथ को पहले पहचानने वाले एज अ राइटर जो है जॉनसन ही है। तो अब कोई किसी को एक ऑथर के रूप में, मतलब पहली आइडेंटिटी उन्होंने ही दी है गोल्डस्मिथ को, जॉनसन ने ही।
तो ये कहा कि फिर कोई किसी का साथ देता है बुरे टाइम में तो वो उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट करेगा। तो ये उनके अप्रिशिएशन में है कि भाई उनमें बहुत कुछ है, मतलब स्किन का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी आउटवर्ड पर्सनैलिटी जैसी दुनिया के सामने आई है उसके अलावा भी उनमें बहुत कुछ है। तो वो उन्होंने उनका शायद ये नेचर इस वजह से बना हुआ है क्योंकि उन्होंने गरीबी को बहुत झेला है। जॉनसन ने अपनी लाइफ में गरीबी को बहुत झेला है और बहुत मतलब मुश्किलों से वो इस लेवल पे आए हैं, तो शायद इसलिए वो इतने टफ दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वो इतने हैं नहीं। तो गोल्डस्मिथ ने उनके फेवर में बोली है ये बात, अप्रिशिएशन में बोली है ये बात। हु एसेज वर ओरिजिनली पब्लिश एज चाइनीज लेटर्स, किसके लेटर जो है ओरिजिनली पब्लिश हुए हैं चाइनीज लेटर के रूप में, गोल्डस्मिथ स्टील्स एडिशंस जॉनसन, तो जो है किसके लेटर जो है इस तरह से चाइनीज लेटर्स की एज ए चाइनीज लेटर्स पब्लिश हुए हैं। तो अब आपका जो है क्वेश्चन है नाइन्थ, तो नाइन्थ का आंसर देना आपको। हुज एसेज वर ओरिजिनली पब्लिश एज चाइनीज लेटर्स, गोल्डस्मिथ स्टील्स एडिशंस जॉनसन। तो ज्योति का आंसर आया है नाइन्थ का ए, गोल्डस्मिथ। तो फटाफट दीजिए आप आंसर अपने। हुज एसेस वर ओरिजिनली पब्लिश एज, सोनिका ने भी नाइन्थ का ए बोला है, दिनेश का नाइन्थ का सी है, मंजू का जो है नाइन्थ का ए है। तो गाइस देखो जो आपका ऊपर था एक क्वेश्चन सिटीजन टू द वर्ल्ड, इस ये था एक द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसके अंदर जो है एक देखो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ये आया है। तो सिटीजन जो है एक ट्रैवल करता है एक यात्री, तो वो कहाँ का था अगर आपने ये थोड़ा सा भी पढ़ा है सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें एक चाइनीज जो है वो आता है, चाइनीज कोई यात्री आता है जिसे ट्रैवलर कहते हैं वो आता है वहाँ पे, तो उसकी स्टोरी है उसके अंदर। और जैसे मैंने जो करवा रखा है पे वहाँ पे भी मैंने ये बताया हुआ है कि भाई वो एक ऐसी डिक्शनरी या कुछ ऐसे लिखता है ताकि जो है जो चाइनीज लोग हैं वो उसको अच्छे से समझ पाएँ, तो इस टाइप का थीम भी है। तो ये जो है इस तरह के वर्क जो किए हैं, मतलब अगर क्लियर आंसर भी नहीं पता हो तो आपको अगर गोल्डस्मिथ का बैकग्राउंड पता है तो आप ये जो है आंसर निकाल सकते हो। जो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है उसके अंदर जो ट्रैवलर आता है वो भी जो है चाइनीज ही है, और जैसे मैंने जो आपको लेक्चर में बता रखा तो वो भी वहाँ उधर बता रखा होगा, जो आप स्टूडेंट वहाँ से हैं तो शायद उनको ज़रूर पता होगा। तो ये जो आंसर है गोल्डस्मिथ्स लेटर हैं, चाइनीज लेटर जो है गोल्डस्मिथ के थे यू कह सकते हो आप। आगे फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयू, फील्डिंग हेनरी फील्डिंग है ये, उनका था नोवल था जोसेफ एंड्रयूज, 1742 में पब्लिश हुआ, हैज ए डायरेक्ट लिंक विद रिचर्डसन। ये कह रहा है कि है फील्डिंग का जो जोसेफ एंड्रयू था उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, क्लैरिसा के साथ, जो रिचर्डसन का क्लैरिसा लिखा उन्होंने, पामेला, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन और जो है द एप्रेंटिस वेद मैक्यूम। तो ये जो है किसके साथ इनका जो है डायरेक्ट लिंक है तो ये बताना आपको। फील्डिंग जोसेफ एंड्रयू का जो है रिचर्डसन की कौन से वर्क के साथ डायरेक्ट लिंक है, तो दिनेश ने जो है 10th का बी दिया है। फटाफट से बताइए। और सपना ने भी 10th का बी बोला है, मंजू यादव का भी जो है 10th का बी है, नवेता का जो है 10th का बी है। ओके गाइस, तो आपका जो है लेकिन आप मुझे ये बताएंगे क्या सिमिलरिटी है, क्या डायरेक्ट लिंक है, क्या आप मुझसे कोई बता सकता है। आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, पामेला है। तो लेकिन आपको ये बताना है कि ये किस वे में बोल रहा है कि डायरेक्ट लिंक है रिचर्डसन की पामेला के साथ फील्डिंग जोसेफ एंड्रयू का, तो ये डायरेक्ट लिंक है क्या। जसबीर का भी जो आंसर है वो बी है। तो गाइस ये जो आपको ये बताना है कि मुझे कि फील्डिंग का जो जोसेफ एंड्रयू है उसका क्या लिंक है, या मतलब किस हिसाब से इसको डायरेक्ट लिंक बोल रहा है रिचर्डसन की पामेला के साथ, तो ये बताना है मुझे एक बार आपको। तब तक मैं 11th क्वेश्चन पे आती हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फाउंडलिंग, तो इनमें से फाउंडलिंग कौन है। नवेता ने बोला ब्रदर नोवल है, हाँ बिल्कुल ब्रदर नोवल है ये, लेकिन इसको ब्रदर नोवल बोला क्यों जाता है ये बता दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फाउंडलिंग, रॉबिन्सन क्रूसो, पमेला, जोसेफ एंड्रयूज, टॉम जोन्स, तो इसमें फाउंडलिंग कौन है। नवेता आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और बताइए
कि ब्रदर नोवल इसको क्यों बोला जाता है, और 11 का भी आंसर देना है आपको। तो सोनिका ने जो है 11 का डी बोला है, टॉम जोन्स को बोला है ये फाउंडलिंग है। फाउंडलिंग क्या होता है ये भी बताइए साथ में मुझे कि फाउंडलिंग होता क्या है। Who among the following is a foundling? दिनेश ने भी 11 का डी बोला है, तो बिल्कुल ठीक है, डी आंसर है इसका, टॉम जोन्स। ओके किसकी बारे में बोल रहे हो आप ज्योति, कि फाउंडलिंग, फाउंडलिंग के बारे में? ओके ये कह रहे हो कि ये टॉम जोन फाउंडलिंग है। ओके देखो गाइस, जैसे मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं पहले 10th की बात करती हूँ। जैसे फील्डिंग का जो जोसेफ एंड्रयू है, वो जो है रिचर्डसन का पामेला से डायरेक्ट लिंक कैसे है? अच्छा, कोई फनी बोल रहा है, कोई जो है कह रहा है घूमने फिरने वाला खोया हुआ, ठीक है तो मैं बता देती हूँ। चलिए, तो फील्डिंग्स का जो जोसेफ एंड्रयू है, उसका जो है डायरेक्ट लिंक कैसे है रिचर्डसन से की पामेला से, पहले तो ये बात करते हैं। जैसे उसमें जो है पामेला अपना जो है एपिस्टलरी फॉर्म में, यानी कि लेटर वगैरह की फॉर्म में लिखती है, जिस पर्पस से, जिस एक्सप्लेनेशन के साथ पामेला लिखा गया है, उसी की एक किस्म से ये कह सकते हो कॉपी है जोसेफ एंड्रयू। लेकिन उसको जो उसमें जो मेन कैरेक्टर है यानी प्रोटैगनिस्ट है पामेला के अंदर, वो एक लड़की है, और जोसेफ एंड्रयू जैसा कि नाम है, वो जो है वहाँ पे वो जो है एक मेल है यानी एक लड़का है जो उसका प्रोटैगनिस्ट है। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि बाकी तो एक किस्म से कह सकते हैं उसकी जीरोक्स है ये। फील्डिंग का जो जोसेफ एंड्रयू है उसका जीरोक्स है जो पामेला लिखा गया है, उसमें भी उसी तरह से उसके प्रोटैगनिस्ट के प्रॉब्लम्स दिखाए गए हैं, उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मेल कैरेक्टर है इसलिए इसको ब्रदर नोवल बोला जाता है। बिल्कुल। और जो है, जो मैंने कहा कि फाउंडलिंग का क्या मीनिंग होता है गाइस, तो फाउंडलिंग का मीनिंग अनाथ होता है जिसके जो है पेरेंट्स नहीं होते। तो इसमें जो है जोन जो है टॉम जोन है वो, क्योंकि आखिर तक भी ये लगता है कि भाई इसके फादर कौन है ये तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। मदर भी बाद में पता चलती है शायद, जिसके वो घर में रहता था उसकी बहन है, लेकिन वो कन्फर्म फिर भी नहीं है। तो ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, तो इसमें जो है कॉमिक एपिक प्रोज में जो लिखा गया वो बताना है। डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन, रिचर्डसन क्लैरिसा, फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयू, डिफॉय स्मॉल फ्लैंडर्स। तो ये आपको जो है 12 क्वेश्चन का आंसर देना है। डिकिन्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन यानी जो कॉमिक एपिक है लेकिन प्रोज में लिखा गया है। गाइस एपिक जो है वो जैसे हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य, तो काव्य तो वर्ज में लिखा जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि काव्य की कॉमिक एपिक है लेकिन वो प्रोज में लिखा हुआ है। पूनम, जैसे आपने लिखा पामेला का ब्रदर जोसेफ एंड्रयू, तो वो कोई एक्चुअल में ब्रदर नहीं था, लेकिन क्योंकि वो जो है उसमें मेल कैरेक्टर है इसलिए उसको बोल दिया गया है कि वो जो है ब्रदर नोवल बोलते हैं उसको, उसका कोई ब्रदर है नहीं। सपना ने जो है 12 का बी दिया है, दिनेश का 12 का सी है, और नवेता का भी जो है 12 का सी है। तो जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, तो ज्योति ने 12 का सी दिया। ओके गाइस, तो जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, तो ये जो है फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयू है, ये जो है इसका जो आंसर है सी, 12 का जो है सी जो है इसका आंसर रहेगा। तो ये जो है कॉमिक एपिक है जो कि प्रोज में लिखा हुआ है। आगे, टू होम हेनरी फील्डिंग टॉम जोन इज डेडिकेटेड, तो टू होम हेनरी फील्डिंग टॉम जोन इज डेडिकेटेड, किसको डेडिकेट किया है? हाँ, लिंक बनाया, बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि टू होम हेनरी फील्डिंग टॉम जोन इज डेडिकेटेड, तो ये कह रहा है कि टॉम जोन को जो है, मतलब हेनरी फील्डिंग का जो टॉम जोन जो प्ले है वो किसको डेडिकेट किया है? जॉर्ज लिंटन को, रिचर्डसन को, स्टर्न को और पोप को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना 13 का आपको, कि ये जो है किसको डेडिकेट किया गया है। टू होम हेनरी फील्डिंग टॉम जोन इज डेडिकेटेड, दिनेश ने 11 का बी बोला, रिचर्डसन।
दिनेश ने 11 का बी है, आगे बताइए आप। ज्योति का जो है 13 का, अच्छा 13 पे, अच्छा दिनेश 11 का बी बोल रहे हो, ठीक है। ज्योति ने 13 का ए दिया है, नवेता का 13 का बी है, ओके गाइस। चलिए मैं बताती हूँ, ये जो है टू होम हेनरी फील्डिंग स्टॉम जोन इज डेडिकेटेड टू जॉन लिंटन, ये जो है ए है इसका आंसर गाइस। जॉन लिंटन जो है वो पर्सन थे जिन्होंने ये प्रीफेस लिखा है टॉम जोन का, जब हेनरी फील्डिंग ने, तो इन्होंने जो प्रीफेस लिखा उसके अंदर जो है उन्होंने जॉर्ज लिंटन को एक किस्म से डेडिकेट किया है इस वर्क को। वो इसलिए किया है क्योंकि जॉर्ज लिंटन एक जो है खुद एक राइटर थे, और वो एक ऐसे राइटर थे, मतलब ऑनरेबल जॉर्ज लिंटन बोला जाता है इनको, तो ये एक ऐसे राइटर थे जो दूसरे राइटर की हेल्प करते थे लिखने में। तो जो ये टॉम जोन था जो लिखा है हेनरी फील्डिंग ने, इनमें उन्होंने ना केवल आइडिया दिया है बल्कि जो है मटेरियल भी प्रोवाइड किया है, तो उस वे से भी उसको सपोर्ट किया है। तो ये पहले उसको डेडिकेशन देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 13 का जो आंसर मैंने बता दिया है। 14 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, तो किसको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है? डिफोए, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्टर्न को, किसको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल? डिफोए, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्टर्न। तो दिनेश ने जो है 14 का सी दिया है। फील्डिंग बोला उन्होंने, ज्योति ने भी 14 का सी दिया है। ओके चलिए, तो मैं इसका जो है आपका आंसर आ चुका है जिन्होंने मुझे देना था, इसका जो आंसर है वो फील्डिंग है गाइस। हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है। तो जतिन का भी 14 का सी है, मंजू का भी 14 का सी है, ओके गाइस। तो अब चलते हैं 15th पे। स्मॉलेट्स नॉवल द एक्सपीडिशन हैम्फ्री क्लिंकर इज अ नॉवल, तो किस टाइप का नॉवल है स्मॉलेट का जो नॉवल है एक्सपीडिशन हैम्फ्री क्लिंकर, ये किस टाइप का नॉवल है? विक्टोरियन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, पिकारस है, आइडियलिस्टिक है, तो ये कौन सा नॉवल है? तो ये बताना है आपको। स्मॉलेट्स नॉवल एक्सपीडिशन हैम्फ्री क्लिंकर, मुकेश मलिक का जो है 17 का बी है, सॉरी 15 का बी है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। दिनेश ने 15 का सी बोला, पिकारस। एक तो गाइस आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी डेली क्लास होती है 7 to 8 o'clock, एक दिन हमारी हरियाणा जी की क्लास होती है, एक दिन लिटरेचर की क्लास होती है। तो सपना का आंसर जो है, ज्योति का आंसर सी है, नवेता ने सी बोला है। तो गाइस ये जो है एक्सपीडिशन हैम्फ्री क्लिंकर, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस के ऊपर है। आप एक्सपीडिशन को देख के बोल रहे होगे कि ये पिकारस नॉवल है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस पे लिखा गया है ये। अब आप मुझे ये बताएंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस और पिकारस क्या है दोनों, क्योंकि आपने मोस्टली दो इन दो को ऑप्शन को आंसर बनाया है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि हैं क्या चीज़ें, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस क्या होती है और पिकारस क्या होता है, पिकारस नॉवल क्या होते हैं। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिचर्डसन पामेला इज अब ये क्वेश्चन ही बन गया। रिचर्डसन पामेला जो है, रिचर्डसन की जो पामेला जो नॉवल है वो किस टाइप का नॉवल है? पिकारस नॉवल है, सेंटिमेंटल नॉवल है, साइकोलॉजिकल नॉवल है, या एपिस्टलरी नॉवल है? तो आपको 16 क्वेश्चन का आंसर देना है। रिचर्डसन पामेला इज ए पिकारस नॉवल, सेंटिमेंटल नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल और एपिस्टलरी नॉवल। तो पहले दो क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं। पिकारस नॉवल मीन्स वेंडरिंग हीरो, वेरी गुड दिनेश, बिल्कुल ठीक है। जतिन ने बोला फ्लो ऑफ थॉट इन माइंड, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, ये भी ठीक है। अब आप जो 16 पे आ जाइए, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड, ये भी ठीक है। मंजू ने 16 का डी, और नवेदा का जो 16 का डी, पूनम शर्मा का जो है डी है, ओके गाइस। तो जो है रिचर्डसन पामेला जो है एपिस्टलरी नॉवल है, एपिस्टलरी नॉवल है। तो अब आप ये भी बताएंगे कि व्हाट इज एपिस्टलरी, तो एपिस्टलरी होता क्या है, तो ये भी बताइए, क्योंकि पिकारस भी हो चुका है, पिकारस वो होता है
बिल्कुल मोनिका, आपने भी बिल्कुल ठीक बोला। पिकारस, जैसे आप सबका आंसर आया कि पिकारस वो होता है जिसमें जो हीरो होता है वेंडरिंग करने वाला होता है, एमलेस वेंडरर होता है ये कह सकते हो आप। और जो पिकारस का हो गया आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस के का मतलब ये होता है जहाँ पे जो है जो इनर थॉट के ऊपर लिखा जाता है, जो माइंड में चल रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्लिक्ट होते हैं जो माइंड में, उसके अकॉर्डिंग जो लिखा जाता है। इसमें पंच जो नॉवल है पंचुएशन लेस होते हैं, कोई पंचुएशन का ध्यान नहीं रखा जाता, जैसे आदमी सोच रहा है वैसे ही लिखा जाता है। बिल्कुल, अब जो है सभी का आंसर आया है एपिस्टलरी, वेरी गुड। सभी का है कि लेटर फॉर्म में जो होता है उसको बोलते हैं, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं द सबटाइटल ऑफ पामेला इज, तो पामेला का जो सबटाइटल है वो क्या है? जेनरस लेडी, प्योर वुमेन, वर्चू रिवार्डेड, सिंबल ऑफ चेस्टिटी, तो ये बताना आपको सबटाइटल ऑफ पामेला इज, तो पामेला का सबटाइटल क्या है? दिनेश ने 17 का सी दिया है, जतीन का भी सी है, ओके। ज्योति का जो है 17 का सी है, मुकेश का भी जो है 17 का सी है, तो वर्चू रिवार्डेड है गाइस इसका आंसर, जैसा कि आप सबका आंसर आ रहा है वर्चू रिवार्डेड, ठीक है। सोनिका ने 17 का सी दिया है। तो अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पे, विच नॉवल इज कंसिडर्ड टू बिगिन द फर्स्ट ग्रेट फ्लोरिंग ऑफ द इंग्लिश नॉवल, मतलब वो कौन सा पहला नॉवल माना जाता है जिससे जो है एक किस्म से इंग्लिश नॉवल की शुरुआत ही हो जाती है, मतलब एक फ्लोरिंग का मतलब ये है कि वो बिल्कुल फ्लो में आ जाता है इंग्लिश नॉवल, तो वो कौन सा? क्लैरिसा, पामेला, टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज, तो वो जो है कौन सा नॉवल है जिसकी वजह से जो इंग्लिश नॉवल है वो अपने मतलब कि फ्लो में आ जाते हैं, ये कह सकते हो आप। तो 18 का जो आंसर देना आपको, जतिन ने सी दिया है, शायद 18 का ही बोल रहे होंगे ये। विच नॉवल इज कंसिडर्ड टू बिगिन द फर्स्ट ग्रेट फ्लोरिंग ऑफ द इंग्लिश नॉवल, ओके। पूनम शर्मा ने पामेला बोला है, ज्योति का जो है 19 का ए है, दिनेश का 18 का बी है। 18 पे हैं ज्योति अभी, तो हम 18 पे हैं हम अभी। तो टॉम जोन है गाइज इसका आंसर, टॉम जोन है जो इसका मेन जो है जिसकी वजह से ये फ्लो कर जाता है पूरा, तो ये जो है टॉम जोन है। 19 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिचर्डसन नॉवेल आर नोन फॉर, रिचर्डसन का नॉवेल जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? नॉवेल्स हैं वो मतलब उनका थीम क्या रहा है? स्टायर, सेंटिमेंटेलिटी, सॉन्ग्स, रियलिज्म, तो आपको 19 क्वेश्चन का आंसर देना है। रिचर्डसन नॉवेल आर नोन फॉर स्टायर, सेंटिमेंटेलिटी और सॉन्ग्स एंड रियलिज्म, तो 19 का क्वेश्चन का जो आंसर है, जतिन ने सी दिया है, दिनेश का ए है, ज्योति का बी है, मुकेश ने 19 का बी दिया है। तो ओके गाइस, तो इसका जो है रिचर्डसन नॉवेल्स आर नोन फॉर सेंटिमेंटलिटी, तो बी है इसका आंसर, बी रहेगा, सेंटिमेंटल यानी कि सेंटिमेंट शो किए गए जाते हैं इसके जो नॉवल हैं रिचर्डसन के जितने भी उन सब के अंदर। आगे 20 क्वेश्चन है, स्टर्न्स ट्रिस्टन सेंडे इज नोन फॉर इट्स, तो जो जो स्टर्न्स है उसका जो ट्रिस्टन सेंडे है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, क्या थीम है उसके अंदर? तो फाइन फ्लो स्टाइल, एसेंट्रिसिटी और जो है वेल नोन प्लॉट, हाई सीरियसनेस, तो वो जो है उसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है ट्रिस्टन सेंडे को? तो एसेंट्रिसिटी, फाइन फ्लो स्टाइल और जो है वेल नोन प्लॉट, हाई सीरियसनेस, ये बताना आपको। 20th का आंसर देना गाइज आपको। दिनेश ने जो 20th का डी दिया है, ज्योति ने भी 20th का ए है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो मंजू आप? आपने कहा ये साइकोलॉजिकल नॉवल है। नवेता का, मुकेश का डी है, मोनिका का डी है, सपना का बी है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये एसेंट्रिसिटी है इसके अंदर, ट्रिस्टन सेंडे जो है इसके अंदर एसेंट्रिसिटी है। एसेंट्रिसिटी होती क्या गाइस, ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो एसेंट्रिसिटीज होती क्या है, मतलब
क्या मतलब होता है इसका। 21 पे आ जाते हैं, द ट्रांजिशनल पोइट्स रिप्लेस्ड द न्यू क्लासिकल हीरोइक कपलेट बाय द, अब ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशनल पोइट होते हैं उन्होंने, ट्रांजिशनल पोइट हैं जो, क्योंकि आज हम जो है ट्रांजिशनल पोइट ही कर रहे हैं, प्री रोमांटिक्स जिसको हम कहते हैं, तो ये जो पोइट है, ट्रांजिशनल पोइट्स हैं, इन्होंने जो है न्यू क्लासिकल हीरो कपलेट को रिप्लेस कर दिया है बाय द स्पेंसियरिस्ट, आगे भी शायद नहीं, ट्रांजिशनल पोइट रिप्लेस द न्यू क्लासिकल हीरोइक कपलेट बाय द स्पेंसियन स्टेंजा, ऑक्टोसिलेबिक क्वाट्रेन, हीरोइक क्वाट्रेन, द फोर लाइन स्टेंजा, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, हाँ दिनेश ठीक है, आपका भी आंसर है, मोनिका का भी ठीक है, हाँ बिल्कुल दिनेश, सन की जिसको कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो द ट्रांजिशनल पोइट्स रिप्लेस द न्यू क्लासिकल हीरोइक कपलेट, मतलब ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशनल पोइट है उन्होंने न्यू क्लासिकल हीरोइक कपलेट को एक किस्म से रिप्लेस कर दिया था, तो किस, क्या यूज करके रिप्लेस कर दिया था इनको, तो ये बताना आपको, स्पेंसेरियन स्टेंजा, ऑक्टोसिलेबिक क्वाड्रेन, हीरोइक क्वाड्रेन, द फोर लाइन स्टेंजा, नन ऑफ दिस। तो ज्योति का जो आंसर है वो 21 का, ज्योति ने 21 का दिया है एफ, मोनिका ने, अच्छा सन की बोला, ठीक है बिल्कुल ठीक है मोनिका। बोलिए सोनिका का जो है आंसर है 20 एफ है, 21 का एफ, दिनेश का भी जो है 21 का बी है। तो गाइस इसका जो है एफ है, ऑल ऑफ दीज, इन्होंने जो ना एक किस्म से, जैसे क्या था कि जो ये न्यू क्लासिज्म था इसके अंदर जो है हीरोइक कपलेट को ज्यादा यूज किया गया था, इन्होंने जो है ना बिल्कुल ये जो स्टाइल अपनाया था ये तो इन स्पेंसियर स्टेंजा और इन सबको यूज किया था उन्होंने, लेकिन जो है बिल्कुल लिखने लग गए थे ये रियलिज्म के ऊपर, कॉमन मैन की बात करने लग गए थे। इससे पहले चाहे आपका जो है वो पीरियड रहा हो, जब हम ये कहते हैं कि जैसे एलिजाबेथन पीरियड रहा हो, उसमें कॉमन आदमी के ऊपर कभी बोला नहीं गया है, कॉमन आदमी के ऊपर नहीं बोला गया है, ना ही न्यू क्लासिज्म में बोला गया है, यानी वेस्टर्न पीरियड में बोला गया। तो इस पीरियड में आगे जो है लोग नेचर की तरफ चलने लग गए थे, और रोमांटिक का मतलब ही क्या होता है, जो नेचर की तरफ चलता है, कॉमन आदमी की तरफ चलता है, तो यहाँ पे इस तरह का थीम आएगा। लेकिन क्योंकि अभी इस पीरियड की शुरुआत ही है यहाँ पे, मतलब ना तो वो रोमांटिसिज्म आया है, ना अभी जो है ये न्यू क्लासिकल जो है पीरियड अभी गया है, तो इन्होंने सभी तरह के यूज किए थे, लेकिन नेचर से रिलेटेड, कॉमन मैन से रिलेटेड बात करने लग गए थे। 22 की बात करते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय द चर्च या स्कूल ऑफ पोइट्स, चर्च या स्कूल ऑफ पोइट्स जो है क्या मतलब है इनका, चर्च या स्कूल ऑफ पोइट किसको कहते हैं, द पोइट्री अबाउट द चर्च, द रिलीजियस नोट इन पोइट्री, द पोइट्री करेक्टराइज बाई मेलनकली एंड सफरिंग, नन ऑफ दीज। तो 22 का आपको आंसर देना है, वट इज मीन्ट बाय द चर्च यार स्कूल ऑफ पोइट्स, तो जतिन ने 22 का सी दिया है। चलिए फटाफट से बताइए, पोइट्री करेक्टराइज बाय द मेलनकली एंड सफरिंग, सोनिका का 22 का सी है, पूनम शर्मा का ए है। तो गाइस जो है चर्च यार्ड जो है वो एरिया है, मतलब जिन्होंने, बिल्कुल ठीक है, जो इसका आंसर जो है वो सी है, पोइट्री करेक्टराइज्ड बाय मेलनकली एंड सफरिंग, यानी कि जैसे मेलनकली क्या होती है, निराशा और दुख की जो होती है कोई भी पोइट्री, तो उनको बोला गया है चर्च यार्ड। यहाँ पे एक्चुअल में वो पोइट हैं गाइस जिन्होंने, मतलब ऐसे तो चर्च यार्ड यानी चर्च के यार्ड में, यानी ग्रेव यार्ड सुना होगा आपने, उसमें वो जो किसान वगैरह हैं या फिर जो मजदूर हैं जिनकी कब्रें हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, जिनके दुखों को कोई नहीं जानता, तो उनसे रिलेटेड जो पोइट्री लिखी है ये यहाँ पे। आगे हु कंट्रीब्यूटेड पेपर्स टू रैम्बलर एंड द आइडलर, रैम्बलर और आइडलर का कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब किसने शुरू किया है किस्म से, ये है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, डेनियल डिफोए, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जोनाथन स्विफ्ट। तो किसने इसको यूज किया है गाइस, ये बताना अब आपको। ट्वेंटी थ्री का जो है सोनिका का जो आंसर है वो ए है, जतिन का जो है ए है।
ज्योति ने भी जो 23 का जो है ए दिया है। तो गाइस इसका आंसर ही डॉक्टर सैमुअल जेनसन है, बिल्कुल ठीक है आपका। ये रैम्बलर और आइडलर ये जो है पीरियोडिकल्स थे उस टाइम के। आगे है 24, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन फेमस वर्क द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश ऑन, तो कब पब्लिश हुई थी ये बताना आपको। मार्च 15th 1754, अप्रैल 15th 1755, मई 15th 1757, जून 15th 1755। तो आपको बताना है कि जो 24 क्वेश्चन का कि डॉक्टर जो सैमुअल जॉनसन ने जो डिक्शनरी लिखी थी इंग्लिश लैंग्वेज में वो कब पब्लिश की थी, तो उसका जवाब देना आपको 24th के अंदर। जतिन का जो आंसर आया है 24th का डी, सपना का डी, ज्योति का भी डी है, ठीक है। तो अप्रैल में हुई थी गाइस ये, अप्रैल 15th, यानी सेकेंड आंसर है इसका। वैसे ऐसा रेयर क्वेश्चन आता है कि जब आपसे ऐसे डेट और भी पूछे, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ जो है ईयर पे ही पूछे जाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वॉज, ये किसने लिखी है, वॉज रिटन बाय एडमंड ब्रूक इन 1775, रिटन बाय एडवर्ड गिबन इन 1776, रिटन बाय हार्डी ह्यूम इन 1776, एडम स्मिथ इन 1776। तो ये जो है 25th का आंसर देना आपको। मोनिका को श्योर नहीं है, ओके 25th का बोल रहे हैं वो। तो आप बताएंगे हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वॉज रिटन बाय, तो किसने लिखी है। 25th का आंसर है जतिन का जो है बी है, दिनेश का जो है बी है। तो गिबन ने लिखा है गाइज इसको, बिल्कुल ठीक है, बी है इसका आंसर। इसका आंसर जो है बी रहेगा। आगे है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन वॉज रिटन बाय, सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी किसने लिखी है। एक किस्म से ये क्वेश्चन है कि सैमुअल जॉनसन जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है। जेम्स बोसवेल ने और सर जोसुआ रेनॉल्ड्स ने और एडमंड ब्रूक ने। तो 26th का आंसर देना आपको। तो दिनेश का आंसर बी आया है 26 का। जतिन ने ए बोला है, सोनिका ने भी ए है, ज्योति ने भी ये बोला है। तो इसका जो आंसर है बोसवेल ने लिखी थी लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, यानी कि ये बायोग्राफी जो है जो सैमुअल जॉनसन की लिखी थी वो जेम्स बोसवेल ने लिखी थी। हाँ दिनेश, ठीक कर लिया हमने। आप जो है 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। रिचर्डसन पामेला इज अ नॉवल इन द, ये एक दो क्वेश्चन रिपीटेशन में है गाइस, मतलब रिपीट हो गए हैं दो क्वेश्चन यहाँ पे, तो आप इसका फटाफट आंसर दे सकते हो। रिचर्डसन पामेला इज अ नॉवल इन द, वो किस फॉर्म में है। तो पिकारस फॉर्म में, एपिसोडिक फॉर्म में, एपिस्टलरी फॉर्म में, इंप्रेशनिस्टिक फॉर्म में, तो किस फॉर्म में है ये। तो आपको जो है 27 का आंसर देना है, तो फटाफट से दीजिए आप। ओके ज्योति का जो आंसर है, पूनम का सी, दिनेश ने भी सी, जतिन ने भी सी, सोनिका का भी सी दिया है। तो ये पहले भी हो चुका है, तो फटाफट आप इसका आंसर दे सकते हो। एपिस्टलरी फॉर्म है, तो ये रिपीटेशन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेशन में है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, तो फटाफट बता सकते हो आप मुझे इसका आंसर। हाँ 28 का जो है फील्डिंग बोला है, सी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हेनरी फील्डिंग जो है ये रहेगा इसका आंसर, ये भी रिपीट हुआ गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फील्डिंग जोसेफ एंड्रूज इमर्जेस एज द पॉइनर ऑफ द, तो उनको किस जो है जोसेफ एंड्रू को जो है किस वर्क के लिए या किस तरह के नॉवल के लिए जाना जाता है। साइकोलॉजिकल नॉवल, नॉवल ऑफ मैनर्स, हिस्टोरिकल नॉवल, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है 29 का जो आंसर है वो बताना है। तो 29 पे आ जाइए अब आप। फील्डिंग जोसेफ एंड्रू, दिनेश ने 29 का बी दिया, नॉवल ऑफ मैनर्स। पूनम शर्मा का ए है, ज्योति का जो है 29 का सी है, मोनिका ने 28 का बोल रहे हैं वो अभी, सोनिका का जो है 29 का ए, सपना ने ए दिया। तो गाइस इसका है नॉवल ऑफ मैनर्स। फील्डिंग का जो जोसेफ एंड्रू है वो उसके जो है नॉवल ऑफ मैनर्स के मतलब रूप में उभरा है या उसके रूप में उसको जाना जाता है।
हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नॉवल राइटिंग, मतलब किससे ये कहेंगे कि नॉवल राइटिंग की थ्योरी शुरू हो जाती है एक किस्म से, यानी वो एक किस्म से थ्योरी देते हैं नॉवल राइटिंग की। रिचर्डसन इन द प्रीफेस ऑफ पामेला, स्विफ्ट इन द प्रीफेस ऑफ गुलिवर ट्रैवल, हेनरी फील्डिंग इन द प्रीफेस ऑफ टॉम जोन्स एंड जोसेफ एंड्रयूज, एडिशन इन द कवरले पेपर्स। तो किसके अंदर जो है ऐसा है, 13 क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। ज्योति ने 30 का जो है दिया सी, दिनेश का 30 का सी है, पूनम शर्मा का जो है सी है, सपना का बी है। तो गाइस इसका जो 30 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो जो है सी रहेगा, हेनरी फील्डिंग इन द प्रीफेस ऑफ टॉम जोन्स एंड जोसेफ एंड्रयू। तो गाइस आज की क्लास में हमारे ये 30 क्वेश्चन ही थे, और क्योंकि मैंने ज़्यादा इस वजह से भी नहीं लिए क्योंकि मैंने प्री रोमांटिक्स का नाम नहीं लिया था, तो वैसे तो ये था कि अंडरस्टूड था कि भाई आगे राइटर जो है अगस्टन में यही आने वाले थे 18 सेंचुरी के अंदर, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बोला नहीं था प्री रोमांटिक्स का नाम, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस मतलब कि डेप्थ में नहीं लिए ये। तो फिर हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम जो है प्री रोमांटिक्स को लेंगे, लेकिन ये भी श्योर है गाइस कि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, मतलब कि 30 के करीब या 35 के करीब क्वेश्चन नहीं मिले, तो मैं अर्ली रोमांटिक्स को ले लूँगी उसके अंदर। अर्ली रोमांटिक्स में क्या होगा, जैसे कल हमारा सैटरडे है तो हरियाणा जी की क्लास होगी, मंडे को होगी अब हमारी क्लास, तो हम उसमें आपके पास एक दो दिन भी है, इसमें आप जो है एक तो प्री रोमांटिक्स के जितने बचते हैं, क्योंकि अभी हमने इनके डेप्थ के कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो जैसे इसके पॉइंट छोड़े हैं मैंने कुछ इसमें, मतलब ये था कि मुझे नॉर्मली सबको पता होते हैं ऐसे क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर। थैंक यू दिनेश, थैंक यू। तो आपको जो है एक तो प्री रोमांटिक्स को तैयार करना है, और दूसरा जो है आपको जो तैयार करना है वो है आपका जैसे अर्ली रोमांटिक्स। अर्ली रोमांटिक्स के अंदर आपका आ जाएगा एक तो वर्डवर्थ है, और जो कीट्स हैं ये सब जो अर्ली रोमांटिक्स, जो कोलरिज है, ये दो चार जो हैं, दो तीन हैं जो अर्ली रोमांटिक्स में जो आते हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। तो नेक्स्ट ये होगा, और मैं हरियाणा जी के का ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। तो गाइस जो भी आज क्लास में पहली बार है, वैसे रेगुलर स्टूडेंट ही नज़र आ रहे थे मुझे, लेकिन जो भी अगर आप पहली बार हो क्लास में तो हमारी क्लास रेगुलर चलती है, और आप में से जो भी जो है मतलब 7 o'clock चलती है ये, ज्योति ये पॉसिबल नहीं है कि डेली क्लास मैं लिटरेचर की करूं। एक तो देखो आप लोग क्लास में बहुत कम हो, जितने रेगुलर होते थे उतने भी नहीं है। तो थैंक यू मोनिका, यू ऑल्सो थैंक यू सोनिका। तो एक तो क्लास पॉसिबल इस वजह से भी नहीं, क्योंकि क्या होता है टीचर का मोटिवेशन स्टूडेंट ही होते, तो आपकी क्लास में देखो जितने पहले 30 के करीब जाते थे अब वो भी आधे हैं, तो क्लास में स्टूडेंट ही नहीं है इतने कि भाई इसको रेगुलर किया जाए, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि मेरी मॉर्निंग में क्लास होती है, फिर जो है दो क्लासेस रेगुलर चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक दिन लिटरेचर की क्लास तो होती है, तो लिटरेचर के हरियाणा जी की क्लास होती है, तो वो थोड़ा सा दोनों क्लास एक साथ चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रॉमिस बड़ा कर दूँ और फिर वो बने भी ना, तो वो गलत है। इससे अच्छा मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना बोलूँ वो ही अच्छा है। दिनेश जो हम पीडीएफ, पहले मैं मोनिका को बताऊं क्योंकि वो जीके का टॉपिक पूछ रही है, उसका रिपीटेशन बोल रही है, तो जीके में मैंने हरियाणा जीके में मोनिका जो टॉपिक दिया हुआ खनिजों से रिलेटेड दिया हुआ है, क्योंकि उद्योगों से रिलेटेड हम कर चुके हैं, तो हरियाणा में जिस जिस जिले में जो जो खनिज मिलते हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक होगा हमारा। और आप दिनेश ने पूछा कि बुक्स वगैरह कहाँ से ले, तो दिनेश हम जो है जैसे जो स्टूडेंट हमारा ऐप परचेज करते हैं उनको जो है पूरा पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। मोनिका बताती, सपना आपके भी क्वेश्चन की बात करती हूँ, तो पहले मैं दिनेश की बात करती हूँ, तो जो हाँ मैं मोनिका मैंने अभी हरियाणा जीके का टॉपिक बताया, हरियाणा जीके का टॉपिक ये है कि हमारा खनिज से रिलेटेड है कि किस जिले में कौन से खनिज है, यानी हरियाणा में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो खनिजों से रिलेटेड होगा क्योंकि उद्योग हमने कर लिया उससे मिलता जुलता अब खनिजों से रिलेटेड है, तो वो करेंगे हम कल के में। और जो है जैसे दिनेश ने पूछा कि आप बुक्स कहाँ से लें, तो दिनेश हम बुक्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट हमारा ऐप परचेज करते हैं उनको पीडीएफ मिलती हैं, तो साथ में वो पीडीएफ जो है मतलब कि उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट लगा लीजिए, उसी फी में है जो कुछ है, तो वो कोई एक्स्ट्रा नहीं है अलग से कि बुक्स वगैरह हों,
ऐप पे जो कोर्स है उस कोर्स के साथ ही पीडीएफ है। अब सपना ने एक क्वेश्चन पूछा था, सपना क्या कह रही थी, हाँ करंट क्लास की बोल रहे हो सपना आप, तो करंट क्लास का ऐसा है कि जैसे एक तो यही है कि डबल क्लास चलानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि जैसे सर की भी हो जाएगी मेरी भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा पूरा क्योंकि आप ये देखो टाइपिंग करनी पूरा काम हो जाता है दोपहर के बाद का, जैसे ही हम पूरा टाइम इस क्लास पे चलता है कि इसको प्रिपेयर करना है या इसके क्वेश्चन कौन कौन से लेने हैं या फिर जो है इसको टाइप करवानी, तो बहुत काम हो जाता है। मंजू आप जो है पीडीएफ में है, वर्ल्ड लिटरेचर भी है, सारी चीज़ें हैं, हो सकता है पीडीएफ आपके पास नहीं भेजी गई हो, तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर जो है मैसेज भेज दीजिए तो सर आपके पास भेज देंगे। वर्ल्ड लिटरेचर की सारी ही हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी वर्ल्ड लिटरेचर की ना हो, तो सारी चीज़ें हैं पीडीएफ, हर सब्जेक्ट की जो जो वीडियो बने हुए हैं सबकी पीडीएफ है, तो आप एक बार मैसेज भेज देना, हो सकता है आपके पास ना भेजी गई हो किसी वजह से तो सर भेज देंगे। तो अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया सपना की, क्योंकि दो तीन बार सर ने सोचा कि वो करंट की क्लास लेंगे तो वो कभी किसी बात में बिजी कभी किसी बात में बिजी हो जाते हैं, तो वो हम यही सोच रहे हैं कि अगर क्लास शुरू की है तो वो रेगुलर चलनी चाहिए, और रेगुलर नहीं चले तो फिर एक कभी छोड़ो कभी लो, उसका कोई मजा भी नहीं है, ना तो स्टूडेंट को फ़ायदा है ना उसमें हमें कोई अच्छा लगेगा, तो इसीलिए वो रेगुलर ही अभी उनको लग नहीं रहा कि वो रेगुलर होंगे, लेकिन करवाएंगे ज़रूरी इसमें श्योरिटी है। हो सकता है कि क्योंकि देखो अभी जैसे ये चल रहा है हमारा, एक बार तो हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम जो है सैटरडे को मैं क्लास छोड़ दूं और सैटरडे की जगह आपको जो है जो भी है मंजू आपको पीडीएफ मिलेंगे, एक बार आप जो है मैसेज कर देना सर के पास तो वो आपको भेज देंगे पीडीएफ जितनी है आपको पूरा लिटरेचर की या जो भी चीज़ें हमने वीडियो बना रखी है सब की मिलेंगी आपको। और जैसा कि आप क्या कह रहे थे कि करंट की क्लास में जरूर शुरू तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यही सोच रहे हैं कि रेगुलर हो जाएं, हम भी रेगुलर हों तभी करने का फ़ायदा है, अगर हम बीच में छोड़ेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। एक बार हमने ये भी सोचा कि चलो मैं सैटरडे को मैं अपनी क्लास रहने देती हूँ और उस दिन जो है सर ले लेंगे, क्योंकि वन वीक का एक ही दिन करवा देंगे, तो ऐसा भी सोचा था, लेकिन फिर क्योंकि अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं। मंजू सर जो है आपने जो है शायद इंग्लिश लिटरेचर का लिया हुआ, कॉमन का नहीं लिया, सर जो है मैथ्स करवाते हैं और रीजनिंग करवाते हैं, सर का मैथ्स बड़ा अच्छा है, वो पूरी हमारी एकेडमी पहले जो है मैथ्स के लिए जानी जाती थी, मतलब कि सर के नाम से ही एकेडमी को जानते हैं, यहाँ जब लोकल लेवल पे थे हम जींद में ही थे तो मैथ्स टीच करते हैं वो, और एक उनके जीएस के सब्जेक्ट हैं, जीएस में जैसे पॉलिटी वगैरह हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी वगैरह, तो ये उनके सब्जेक्ट हैं, तो ये रीजनिंग मैथ्स ये करवाते थे हम लोग। तो आई थिंक और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो क्लास को ऑफ करते हैं गाइस। हाँ मोनिका यही वजह है, लेकिन देखो क्या है अभी मैं इस बारे में तो नहीं कह सकती क्योंकि अब तो थैंक यू ज्योति कि क्लास देखो अब तो दोबारा शुरू हो गया, पहले अच्छी स्मूथ वे से चल रही थी, अब देखो आप सब समझदार हो, क्लास में तभी अच्छा लगता है जब जो है स्टूडेंट मैक्सिमम हो, तभी हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि कुछ अच्छा बताएं कुछ अच्छा करवाएं, और ठीक है, लेकिन अब इसकी वजह क्या है क्योंकि अब तो नेट भी शुरू हो गया है तो उनको आना चाहिए अब, लेकिन ये उनका पर्सनल है जो भी स्टूडेंट है कि भाई उनको तैयारी करनी है नहीं करनी है, इस बारे में तो क्या कहूँगी। हाँ मोनिका क्योंकि देखो क्या होता है कि पहले जो है जैसे जो मेरे स्टूडेंट हैं यानी जो लिटरेचर से रिलेटेड हैं उनको लगता है कि एकेडमी में मैं आगे हूँ, और जो पीओ के स्टूडेंट हैं सीजीएल के स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि सर आगे हैं, बाकी हम अपने अपने सब्जेक्ट को लिए हुए हैं, क्योंकि उनका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप उनका मैथ्स देखो, उनके बारे में तो ये कहा जाता है पूरे जींद में पॉपुलर हैं वो कि जिनको दो और दो नहीं जोड़ना आता वो उनको मैथ्स सिखा देते हैं, तो उनका जो वे ऑफ टीचिंग है मैथ्स का वो बहुत अच्छा है, और मतलब कि वो बहुत इजी लॉजिक तरीके से मैथ करवाते हैं, तो बहुत पुराने टाइम से हम मतलब शुरू से ही एकेडमी में ही हैं दोनों, तो जो मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा करवाती हूँ, और जो उनसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि क्योंकि मैं उनकी क्लास में सिर्फ मेरी वो जो कॉमन एरर से रिलेटेड या इंग्लिश की जो क्लास होती है कॉमन मैं उसमें जाती हूँ उनकी क्लास में, तो उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा करवाती हूँ, मेरी क्लास में जो लिटरेचर का पोर्शन है उसमें मेरा रोल ज़्यादा होता है
और मैथ और सी जो पीओ और सीजीएल में सर का रोल ज्यादा होता है, तो हम अपना अपना काम करते हैं। कब की है सपना आपने? क्या पर्सनली आप हमें जानते हो? कहां से हो आप? हाँ ये तो मुझे पता, ऑनलाइन तो आपका मुझे पता है, आप पहले भी थे, लेकिन क्या मतलब वैसे कभी ऑफलाइन कभी अटेंड की है? कहाँ से हो आप? अच्छा सर का नाम पूछ रही है मंजू यादव, उनका नाम जो है राजेश प्राशर है। मंजू उनका नाम जो है सर का नाम राजेश प्राशर है। आप सपना सिरसा से हो, तो आपने पहले कब अटेंड किए क्लास? अच्छा नहीं आप ही कह रहे हो ना कि आपने पहले भी क्लास अटेंड की है, तो आप इसी टाइम की कह रहे होगे शायद फिर कि पहले अटेंड की है। हाँ ये तो मुझे पता सपना, क्योंकि जो रेगुलर है पीछे भी थे उनको तो मैं जानती हूँ अच्छे से जानती हूँ मैं उनको, तो जो आप रेगुलर हो उनको तो मैं जान रही हूँ। चलिए तो क्लास को ऑफ करते हैं गाइस, लास्ट ईयर सितंबर में वो तो मुझे ध्यान नहीं है, अब ऑनलाइन क्लास का तो मुझे ध्यान है पूरा, ऑनलाइन क्लास में तो जब से चली है तब से मुझे ध्यान है। अच्छा रिकॉर्ड क्लास देखी होंगी आपने, ओके रिकॉर्डेड क्लास देखी होंगी, यूट्यूब वगैरह पे देखी होंगी। ठीक है सपना थैंक यू, जहां जहां आपका सपोर्ट है उसके लिए सबका थैंक यू है। ओके तो चलते हैं गाइस, बाय एंड गुड नाइट।